तो आज 13 तारीख है, तो हर 13 तारीख को मैं बच्चों के फूड के लिए एक अपील डालती हूँ। और हमारे पास अभी ना बहुत सारे बीमार बच्चे हैं जिनको रोज है ना इलाज के लिए ले जाया जाता है, और जो 13 तारीख को लोग हमें सपोर्ट करते हैं खाने में, मैं आप सबके लिए डिटेल शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे बच्चों के लिए खाना भेजना चाहते हो या जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो या वर्चुअली अडॉप्ट करना चाहते हो, मतलब कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनको 1 साल 2 साल 4 साल हो गए हैं, आज तक वो किसी ने वर्चुअली अडॉप्ट नहीं किए, हमारे पास रह रहे हैं। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, अगर आप इन बच्चों को वर्चुअली अडॉप्ट करोगे ना तो हम और बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। अभी जैसे कुछ लोग मेरे से हेल्प के लिए आते हैं ना, मैं एकदम से हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि जो मेरा स्पेस था ना वो भर चुका है। और मैं किसी दिन ना आपको पूरे शेल्टर का एक वो जो प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर और बच्चे रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तो धीरे धीरे ना मेरे को इस काम को और बढ़ाना है। इन मतलब ना कई लोगों का क्राइटेरिया होता है, कुछ सिर्फ पैरालाइज्ड बच्चे रखते हैं। अब आपने हमारा देखा होगा, हमारे पास जो बच्चे ठीक हो गए हैं वो भी हैं, ट्राइपोड्स हैं, पैरालाइज्ड हैं, ब्रीड डॉग्स हैं जो लोगों ने अबैंडन्ड किए हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई मेरे को नजर आता है, डजंट मैटर वो ब्रीड है क्या है ना, मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और मेरे को ना आगे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जगह और बनानी है, क्योंकि जब मैंने जगह बनाई थी मुझे था कि 100-150 बच्चे होंगे, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगी, है ना, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं। और जब मैं जिन लोगों की मदद नहीं कर पाती ना, वो मुझे गालियां देके जाते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, तुम बिजनेस कर रहे हो, मतलब मेरी सिचुएशन नहीं समझते। मैं इस काम में मतलब बहुत ज्यादा आगे जाना चाहती हूँ, बहुत बड़ा शेल्टर बनाना चाहती हूँ, लेकिन बिना सपोर्ट के मैं नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, गाली देने से अच्छा ना आप हेल्प करो। अगर मिल के हेल्प करोगे ना तो कुछ चीज बन पाएगी। अब एक अकेले बंदे के कंधों पे इतनी जिम्मेवारियां डाल के चले जाते हो, डॉग छोड़। तो ये हमारी एड्रेस डिटेल्स हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे बच्चों के लिए खाना भेजना चाहते हो, उनके लिए पी पैड्स भेजना चाहते हो, मंजियां भेजना चाहते हो, जो भी आपका दिल करे आप इस एड्रेस पर जाकर अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप 2 मिनट निकाल के हमारे पेज की कुछ वीडियोज देखोगे, है ना, हमारे पास कितने बच्चे हैं, कितने बीमार हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस किस चीज की नीड रहती है। जो दवाइयों की नीड होती है, हम वो जितना भी हमें चाहिए होता है हम यहीं से परचेज लेते हैं। तो ज्यादा हमें खाने की नीड इसलिए रहती है कि हमारे 150 बच्चों को खाना तो 2 से 3 टाइम दिया जाता है, उसके साथ साथ हम हर रोज 2 बार हमारे घर से गाड़ी जाती है सड़कों पर, जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनको खाना देना। अगर कोई बच्चा हमें बुरी कंडीशन में मिल गया उसको उठा के लाना, कोई बच्चा सड़क के किनारे मरा पड़ा होता है उसको दफनाना, मतलब हम। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो मेरे से बैंक डिटेल्स के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे वॉइसलेस अकाउंट के बैंक डिटेल्स हैं। अगर आप फ्यूचर में हमारी कभी भी, है ना, हेल्प करना चाहो तो आप ये सेव करके रख सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे हमें अपने शेल्टर को और बढ़ाना है और जगह परचेज करनी है। और मैंने एक शेल्टर की भी जर्नी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी कि कैसे ये जगह हमें मिली, बच्चों को एक छत मिला, है ना, इसके पीछे क्या कहानी है और कितना स्पेस है हमारे पास, टोटल कितने कमरे हैं। क्योंकि जब लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि जितना पीछे स्पेस दिख रहा है वो सारा हमारा है, हमारा वो स्पेस नहीं है, हमारा उसमें से केवल 20% जगह है जिसपे हमारे बच्चे भी रह रहे हैं, और जगह ऑलमोस्ट सारी फुल हो चुकी है। इवन जो मैंने ट्रीटमेंट रूम बनाया था ना, वहां पर भी मेरे को सारे बीमार बच्चों को रखना पड़ता है। तो मैं आपके साथ ना बहुत जल्दी वो वीडियो शेयर करूंगी, और प्लीज जितना हो सकता है हमारे साथ साथ अपने आसपास भी लोगों को सपोर्ट किया करो, अपनी गली के बच्चों को खाना दिया करो, और जितना हो सके उन्हें न्यूटर स्टरलाइज जरूर कराया करो।